जय माता रानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए एवं साथ ही नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए एवं हमें कितनी बार खाना चाहिए और किस समय पर हमें खाना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। व्रत उपवास करने के सभी के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति निर्जला निराहार व्रत करता है तो कोई एक समय भोजन करता है। व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उससे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मन मुताबिक व्रत करने को संघर्ष नहीं माना जाता और जहाँ संघर्ष नहीं होता है वहाँ देवी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से रखा जाना चाहिए। यदि आप पूरे 9 दिनों के लिए व्रत रखते हैं या फिर आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, सभी के लिए व्रत के नियम एक समान होते हैं। यदि आप फलाहार करते हैं तो एक या दो समय ही फलाहार लें। वहीं यदि आप अधोपवास करते हैं अर्थात एक समय ही भोजन कर रहे हैं, तो नवरात्रि के व्रत में दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात में एक बार भोजन करें। नवरात्रि के व्रत में केवल शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही खाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि उपवास करने वाले लोगों को केवल शाम के समय ही भोजन करना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को माता की आरती करने के बाद भोजन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में जो भी भोजन बनता हो उसका सबसे पहले माता को भोग लगाए एवं उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो एक बार में एक से अधिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घंटों तक खाली पेट रहने के बाद एकदम से पेट भरकर खाने से आपको समस्या हो सकती है। आप चाहे तो दिन भर में नींबू पानी, लस्सी, नारियल या मौसमी का जूस इत्यादि ले सकते हैं। इससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। नवरात्रि व्रत में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। इसके लिए आप पनीर के व्यंजन लेने चाहिए। प्रोटीन लेने से शरीर में उचित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उपवास करने के बाद तेल एवं मसालों के भोजन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मिठाई और तले हुए भोजन से हो सके उतनी उचित दूरी बनाकर रखें ताकि स्वास्थ्य भी सही रहे एवं उचित रूप से पूजा में मन लग सके। आइए अब हम बात करते हैं व्रत में कौन से अनाजों को खाया जा सकता है एवं कौन से अनाज नहीं खा सकते। नवरात्र के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। अगर आप दिन में एक बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आपको कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा या फिर राजगिरी का आटा खाना चाहिए। इनसे खिचड़ी, ढोकला या खीर बना सकते हैं। साबूदाना नवरात्रि के दौरान एक और मुख्य भोजन है जिसका उपयोग आप खीर, वड़ा और पापड़ बनाने में कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो आटे को मिलाकर उनकी रोटी बना सकते हैं। मिली जुले आटे से उपमा भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें व्रत के बाद जो भी खाए वह कम मात्रा में खाए। यदि आप चाहे तो दही के साथ फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट भी एक बेहतर विकल्प। नवरात्रि के दिनों में आप आलू, मीठा आलू, कद्दू, अरबी, कच्ची केला, कच्ची पपीता, लौकी, टमाटर, नींबू, खीरा, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू का रस इत्यादि ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। नवरात्रि के दिनों में हम हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं एवं हरी मिर्च एवं काली मिर्च दोनों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु लाल मिर्च का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनके अलावा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर, मक्खन इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। यदि आप दिन में फल लेते हैं तो आपको सेब, केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा इसी तरह के फल खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना। इसी के साथ ही हमें ड्राई फ्रूट्स का उपयोग भी करना चाहिए। व्रत में ऊर्जा के लिए ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा विकल्प होते हैं, जिनमें काजू, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज, किशमिश, अखरोट इत्यादि हो सकते हैं। इनमें मूंगफली का प्रयोग ना। आइए अब हम व्रत में उपयोग होने वाले मसालों के बारे में बात करेंगे। मसालों में हमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल, अजवायन, सेंधा नमक और हरी इलायची खा सकते हैं। नमक में हमें सफ़ेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए एवं इसके साथ ही काले नमक का उपयोग भी नहीं करने चाहिए। व्रत का नमक अलग से आता है, हमें वह व्रत के नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद नमक व काले नमक को बनाने में बहुत ज़्यादा केमिकलों का उपयोग होता है, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें केवल व्रत के नमक का उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जैसे कि हल्दी और गरम मसाला, इनको व्रत में नहीं खाना। साथ ही हमें हींग, लौंग, हल्दी, राई, धनिया पाउडर इत्यादि भी नहीं खाना। आइए अब हम बात करते हैं व्रत के दौरान में हमें किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
नवरात्रि के दौरान शराब, नॉनवेज, अंडे इत्यादि का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इनका सेवन पाप माना जाता है। इन सभी चीज़ों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में हमें मूली भी नहीं खानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान कर मूली से रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है, इसलिए व्रत के दौरान मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाने चाहिए। इन दोनों से तमोगुण में वृद्धि होती है। लहसुन और प्याज को राक्षसी भोजन कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और इनका पूजा पाठ में उपयोग नहीं किया जाता है। इन सब के अलावा हमें नवरात्रि के 9 दिनों में अपने भोजन में मसूर दाल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार आते हैं एवं इसके साथ ही हमें नवरात्रा के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, यह सात्विक भाव को कम करता है, इसलिए बैंगन का हमें नवरात्रि के दिनों में उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।